हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेनोग्राफर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप स्टेनोग्राफर क्या है, स्टेनोग्राफर कैसे बने, इसे संबंधित पूरी जानकारी डिटेल में पाएंगे। दोस्तों, लाइफ में अधिकांश स्टूडेंट कुछ ना कुछ बनने का सपना देखते हैं और अपने इंटरेस्ट के अनुसार वे अपने सपने को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। यदि आपका सपना भी स्टेनोग्राफर बनने का है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टेनोग्राफर क्या है, स्टेनोग्राफर कैसे बने, इसके लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, योग्यताएं क्या क्या होती हैं, साथ ही स्टेनोग्राफर बनने की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इनकी सैलरी कितनी होती है, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में डिटेल से देंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्टेनोग्राफर सरकारी विभाग में टाइपिंग के क्षेत्र में काम करता है। इन्हें सरकार की तरफ से सैलरी भी अच्छी मिलती है। केवल यही नहीं, इन्हें समाज में अच्छा मान सम्मान भी मिलता है। भला ऐसी स्टेनोग्राफर की सरकारी नौकरी के लिए कौन अप्लाई नहीं करना चाहेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल सरकारी विभाग स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी निकालते हैं, जिसके लिए कई बेरोजगार स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। हालांकि स्टेनोग्राफर की नौकरी पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इस जॉब को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि स्टेनोग्राफर बनने की प्रोसेस क्या है। दोस्तों, यदि हम एक स्टेनोग्राफर के बारे में बात करें तो स्टेनोग्राफर को हिंदी में आशुलिपिक कहा जाता है, जिसे अदालतों, रेलवे, मंत्रालयों में और अन्य कई सरकारी कार्यालयों में नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, सरकारी विभागों में स्टेनोग्राफर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए होता है, जिसके दायित्वों में राइटिंग, टाइपिंग, ट्रांसक्राइबिंग और ऑफिस डॉक्यूमेंट्स का रखरखाव करना होता है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर के दायित्वों में और भी कई कार्य शामिल होते हैं। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश या अन्य रीजनल लैंग्वेजेस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। साथ ही इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपकी हिंदी की टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट और शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। साथ ही आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट और शॉर्ट हैंड 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। आपकी लैंग्वेजेस की ग्रामर पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और इसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश या अन्य लैंग्वेजेस का आपको अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। इसके अलावा आपकी टाइपिंग की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप स्टेनोग्राफर बनने के लिए अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए टाइपिंग सीखनी होगी, और टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने के साथ ही आपको स्पीड में वर्ड्स को टाइप करने का प्रयास करते रहना होगा। स्टेनोग्राफर बनने के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मिनिस्ट्रीज और इंस्टीट्यूट्स में समय समय पर स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की जाती है, और सरकारी विभागों के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी स्टेनोग्राफर की अच्छी मांग होती है। दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले स्टेनोग्राफर को उस ऑफिस या इंस्टीट्यूट के कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स को संभालना होता है, इसीलिए स्टूडेंट के पास जरूरी स्किल्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम आगे स्टेनोग्राफर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, यानी कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, स्टेनोग्राफर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं कक्षा पास करनी होगी, वो भी आपको अच्छे मार्क्स के साथ पास करनी होगी। दोस्तों, आपके पास स्टेनोग्राफर का एक साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेनोग्राफर सी ग्रेड और डी ग्रेड के लिए 12वीं के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री भी मांगी जा सकती है। आपकी हिंदी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट और शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसी तरह आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट और शॉर्ट हैंड 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। दोस्तों, स्टेनोग्राफर बनने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज सी ग्रेड के लिए 18 साल और मैक्सिमम 30 साल तक होनी चाहिए। उसी तरह डी ग्रेड के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 27 साल तक होनी चाहिए। हालांकि इसमें ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट दी जाती है, साथ ही एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट दी जाती है। दोस्तों, यदि आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जानकारी होना जरूरी है। यदि आप इस एग्ज़ाम के सिलेबस के अच्छी तरीके से आप स्टडी करते हैं तो आप स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में हम डिटेल से जानते हैं।
दोस्तों इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स की बात करें तो इस एग्ज़ाम में आपसे कॉमन सेंस एंड लॉजिक, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। बात करें कॉमन सेंस एंड लॉजिक के सिलेबस की तो इसमें आपसे एनालिसिस, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, जजमेंट, स्पेस विजुअलाइजेशन, एनालॉजीज, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आइडियाज़ एंड सिम्बल्स, विजुअल मेमोरी, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन और वर्बल एंड फिगरल क्लासिफिकेशन से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों बात करें जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की तो इसमें आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स, अवार्ड्स एंड ओनर्स, कंट्री कैप करेंसीज एंड कैपिटल्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डेट्स एंड इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। बात करें इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस की तो इसमें आपसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, राइटिंग एबिलिटी, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, वोकेबुलरी और होमोनिम्स से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टेनोग्राफर में ग्रुप सी और डी के दो अलग अलग पोस्ट होते हैं, इसीलिए इसके सिलेबस में कुछ बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों यदि आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको दो एग्ज़ाम से गुजरना होगा जिसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट। बात करें रिटेन टेस्ट की तो दोस्तों स्टेनोग्राफर बनने के लिए कैंडिडेट को रिटेन टेस्ट से गुजरना पड़ता है जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, हिंदी, जनरल मैथमेटिक्स और रीजनिंग सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, साथ ही दिव्यांगों के लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय दिया जाता है। यदि आप रिटेन एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लेते हैं तो आपको आगे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। बात करें स्किल टेस्ट की तो दोस्तों स्टेनोग्राफर बनने के लिए जैसे ही आप रिटेन टेस्ट पास कर लेते हैं आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जिसमें आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देनी होती है। इस एग्ज़ाम में 2 ग्रेड होते हैं और इन दोनों ग्रेड्स के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया जाता है। दोस्तों स्टेनोग्राफर बनने के लिए ग्रेड सी में आपको इंग्लिश टाइपिंग के लिए 50 मिनट और हिंदी टाइपिंग के लिए 65 मिनट का समय दिया जाता है। इसके साथ ही ग्रेड डी में आपको इंग्लिश टाइपिंग के लिए 40 मिनट और हिंदी टाइपिंग के लिए 55 मिनट का समय दिया जाता है। यदि कैंडिडेट्स इन दोनों एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो उन कैंडिडेट्स को स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि स्टेनोग्राफर की तैयारी कैसे करें। दोस्तों स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप किसी अच्छे कोचिंग क्लास की आप मदद ले सकते हैं, यानी कि आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप टाइपिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको इस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को इकट्ठा करना चाहिए और उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सकती है। दोस्तों आप इस एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस को समझने की कोशिश करें। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें, इससे आपका करंट अफेयर्स मजबूत होगा। यदि आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आप उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। दोस्तों स्टेनोग्राफर की जॉब की बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए SSC, UPSC जैसी टॉप सेंट्रल रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा कई अन्य डिपार्टमेंट्स डायरेक्ट स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए समय समय पर भर्ती आयोजित करते हैं, जैसे कि सेंट्रल एंड स्टेट सेक्रेटेरिएट, फॉरेन सर्विसेज, रेलवेज, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफिसेज, इलेक्टोरल ऑफिसेज, इलेक्शन ऑफिसेज, कॉरपोरेशन ऑफिसेज, बैंक आदि में स्टेनोग्राफर की नौकरियां निकाली जाती हैं। इसके अलावा कई अन्य प्राइवेट कंपनियां भी स्टेनोग्राफर की नौकरियां निकालती रहती हैं। दोस्तों अगर हम स्टेनोग्राफर की सैलरी की बात करें तो स्टेनोग्राफर की सैलरी शुरुआती सैलरी 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये के आसपास होती है और साथ ही इनका ग्रेड पे 2,600 रुपये होता है, यानी आपको हर महीने लगभग 30,000 रुपये टोटल मिलते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रेड पे आपकी जॉब डिपार्टमेंट्स के अनुसार अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि स्टेनोग्राफर कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।